दो दिन पहले बाड़मेर के रामसर उपखंड मुख्यालय पर एक युवक ने अपने सगी बहनोई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अली खान को गिरफ्तार किया और उसे आज न्यायालय में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर उसे भेजा गया है। जानकारी के अनुसार महेंद्र खान ने अली खान की सगी बहन से नवंबर माह में शादी की थी, उसे भगाकर लाकर कोर्ट में विवाह किया था। इस बात को लेकर अली खान नाराज था और अली खान ने नागौर के एक गांव से एक पिस्टल खरीदी और उसके बाद रामसर आकर सरेआम शाम के वक्त महेंद्र खान को गोली मार दी, जिससे महेंद्र खान को 3 गोलियां लगी और उसके बाद उसे घायल अवस्था में बाड़मेर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने उसी वक्त ही आरोपी अली खान को पकड़ लिया था। आज उसे बाड़मेर के कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया, जिसके तहत कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर अली खान को भेजा है। अब पुलिस अली खान से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी कि इसके साथ और कौन था, किसकी साजिश थी और ये जो पिस्टल खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है। प्राथमिक जो पूछताछ की गई है उसमें अली खान ने यह बताया है कि महेंद्र खान मेरी बहन को भगा कर ले गया था, इस बात से मैं नाराज था और इसलिए मैंने महेंद्र खान को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अली खान ने यह भी बताया है कि नागौर के एक गांव से मैंने यह पिस्टल खरीदी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर यह जाँच करेगी कि आखिर इस अली खान ने यह पिस्टल किससे खरीदी थी, इसके साथ और कौन था और इसकी वजह क्या थी। हालांकि प्राथमिक तौर पर अली खान ने यह कबूल कर दिया है कि मेरी बहन को महेंद्र खान भगा कर ले गया था, इसलिए मैंने महेंद्र खान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना 2 दिन पहले बाड़मेर के रामसर उपखंड मुख्यालय की है, जहां पर अली खान ने महेंद्र खान को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, इसका हमने 5 दिन का रिमांड लिया है, अभी मौका तस्ती करना है और जिस स्थान से ये पिस्टल अवैध जो खरीद के लाया है वहाँ की मौका तस्दीक करनी है और इसके साथ में और कौन कौन सहयोगी रहे हैं उनके बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए हमने आज 5 दिन का रिमांड प्राप्त किया है। वो उनको अभी डिटेन करना है, करके पूछताछ करेंगे, अगर उनकी कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसने कहा मैं अकेला ही था, मौके पर कोई मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेला ही था। आने का कारण यह 2 नवंबर को इस महेंद्र खान ने इसकी बहन को भगा के लेकर गया था, फिर कोर्ट मैरिज कर ली थी, इसी रंजिश बस इसने ये वारदात को अंजाम दिया था। हाँ, इसने कहा है मैंने नागौर के पास में एक तरनऊ गांव है वहाँ से किसी से उसने लेना बताया है, खरीदना, तो हम उसने उसकी घटनास्थल की तस्दीक के लिए और आगे वो कौन है उसके बारे में जान मतलब अनुसंधान के लिए हमने 5 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया है। जो भी वहाँ तक जाएंगे तय तक